आज का ये वीडियो होने वाला है रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर कि पाइथन में किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज किया जा सकता है एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस होते क्या है, हो सकता है आपको ये भी ना मालूम हो, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ ब्रेक डाउन करके आप लोग को प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो यार, अब एक्सप्लोर करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, कोड में देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक रैपल अपनी बना रखी है, इसमें मैं आ गया हूँ। और रेगुलर एक्सप्रेशन समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि क्यों यूज़ करना है। सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करना है बेसिक मैचिंग के लिए इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि बेसिक मैचिंग के लिए आप लोग इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर लूप लगाकर चेक कर सकते हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट। हाँ, मुझे पता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी आप लोग चेक कर सकते हो फॉर लूप लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, लॉजिक लगाकर, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए इसलिए गए हैं ताकि आपको अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और चीज़ें आपको बिल्ट इन होकर मिल जाएं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए आपको आरई पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये एक बिल्ट इन पैकेज होता है। तो ये तो एक स्टेप हो गई जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता था, आरई मॉड्यूल को आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पैटर्न, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा पैटर्न है और ये मेरा टेक्स्ट है, मान लो मेरा टेक्स्ट है। अब जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि आप ट्रिपल कोट्स में एक पाइथन स्ट्रिंग लिख सकते हो। मान लो मैं विकीपीडिया पे जाता हूँ, मान लो मैं विकीपीडिया लिखता हूँ यहाँ पर, और अरे एक हाँ ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ विकीपीडिया, और इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया अपना और इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा टेक्स्ट है। मुझे करना है अपने टेक्स्ट को सर्च पैटर्न के थ्रू, ठीक है। यानी कि ये पैटर्न मेरे टेक्स्ट में कहाँ कहाँ है ये मुझे देखना है। तो आरई पैकेज यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन की सहायता से मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं ये कैसे करूँगा? अब देखो, आरई डॉट सर्च करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ पैटर्न क्या है। पैटर्न मान लो मैं ढूंढना चाहता हूँ वॉज, मैं कह रहा हूँ यार मुझे बता दो वॉज कहाँ कहाँ पर है। तो मैं अगर ये करके और प्रिंट करूँ मैच, तो ये मुझे ये नहीं बताएगा कहाँ कहाँ पर है वॉज, बट ये मुझे ये ज़रूर बता देगा कि क्या इस टेक्स्ट में वॉज है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा और ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई वॉज जो है वो पाया गया और यहाँ पर है आपका वॉज, ठीक है। तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि क्या वॉज है कि नहीं। अब आप लोग कहोगे यार ये कि क्या चल रहा है, इतना सर्कस करने की ज़रूरत क्या है, मैं आराम से इसको इन कीवर्ड की सहायता से भी तो कर सकता था। हाँ, आप कर सकते थे, लेकिन हाउ अबाउट अगर मैं पैटर्न को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, और यहाँ पर मेन रेगुलर एक्सप्रेशन की जो बात है वो शुरू होती है। अब यहाँ पर मेटा कैरेक्टर्स को डिफाइन करता हूँ। मेटा कैरेक्टर्स पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि यार देखो मुझे यहाँ पर सर्च करके दो, जैसे कि मान लो यहाँ पर साइक्लोन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लोन और यहाँ पर लिखा हुआ है डाइक्लोन, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है ऐसा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ कि इसमें कहाँ कहाँ ऐसा आइक्लोन लिखा हुआ है जो कि कैपिटल से स्टार्ट होता हो, यानी कि डाइक्लोन कैपिटल डी से डाइक्लोन चलेगा, कैपिटल ई से आइक्लोन चलेगा, कैपिटल जी से जाइक्लोन चलेगा, मुझे वो सर्च करके दो सिर्फ। अब आप घूम जाओगे, आप कहोगे यार मैं अपना कस्टम लॉजिक बना लूँगा, आप ये तो कहोगे, लेकिन कहोगे यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। वही सोचना पड़ेगा को मैं कम करने के लिए आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलवा रहा था। देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यार जो पहला मेरा है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ लिटरली, ठीक है। मैं कहता हूँ कैपिटल लेटर मेरा होना चाहिए और इसके बाद आइक्लोन होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर होना चाहिए और फिर आइक्लोन होना चाहिए। तो ये कैपिटल लेटर होना चाहिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर आर लगाऊंगा जिससे कि ये रॉ स्ट्रिंग जो है बन जाएगी। रॉ स्ट्रिंग क्या होती है अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने बैक स्लैश एन लिखा, तो लिटरली वो एक रॉ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और उसको पार्स नहीं करेगा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा यार देखो यहाँ पर ए से लेके कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कोई भी कैरेक्टर चलेगा मुझे, और इसके बाद आइक्लोन, ठीक है, तो ये मुझे चलेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एक कैरेक्टर क्लास बना ली, मैंने कहा यार देखो ए से जेड तक कोई भी कैरेक्टर, मुझे पता है बहुत सारे लोग डरेंगे अभी, कहेंगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ए से जेड तक कोई भी कैरेक्टर, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल वाला नहीं चलेगा, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कोई भी कैरेक्टर एक बार कम से कम आए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, वैसा आइक्लोन चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पर आप लोग देखो कि प्लस का मतलब होता है वन और मोर अकरेंसेस। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्लस लगा दूँ और मैं अब इसको रन करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखना कि साइक्लोन मैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि डाइक्लोन मैच नहीं हुआ, वो मुझे देखना पड़ेगा क्यों मैच नहीं हुआ। डाइक्लोन मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो आरी डॉट सर्च होता है वो पहले मैच पर रुक जाता है, कहता है भाई हो गया अब काम। तो अब आप कहोगे कि यार मुझे ये पता नहीं करना है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मुझे सिर्फ फर्स्ट अकरेंस नहीं चाहिए, मैं फर्स्ट अकरेंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ सारी अकरेंसेज में मेरे टेक्स्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैच इज इक्वल टू आरी डॉट फाइंड आइटर, और मैं बिल्कुल इसी तरह पैटर्न और टेक्स्ट लिख दूंगा। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, फॉर मैच इन मैचेस, और इसको मैचेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कह दूंगा प्रिंट कर दो भाई साहब मैच। अब ये एक मैच ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको रन करूँगा तो ये सारे मैचेस मुझे दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो मैचेस इसने दिए, साइक्लोन और डाइक्लोन, ठीक है। तो दो मैचेस इसने मुझे दे दिए और ये भी बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ पर मुझे ये जो इसका स्पैन है वो है। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि फॉर मैच एंड मैचेस मैच डॉट स्पैन, इससे मुझे इसका स्पैन मिल जाएगा। अब अगर मैं इसका टाइप आप लोग को दिखाऊं कि यार ये इसका टाइप क्या है, तब आप लोग यहाँ पर देखो कि मैच डॉट स्पैन का टाइप जो है वो प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगा और वो एक टपल है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैचेस में मुझे मुझे क्या करो, जो ये मेरा मैच है कुछ इस तरह से करके दे दो मैच डॉट स्पैन। मतलब अगर मैं इस तरह से स्लाइसिंग करूँ इसकी मैच की स्लाइसिंग करूँ कुछ इस तरह से, सच दैट यहाँ पर मैं दे दूँ मान लो मैच डॉट स्पैन 0 और यहाँ पर दे दूँ मैच डॉट स्पैन 1, तो क्या होगा कि मुझे वो जो वर्ड है साइक्लोन डाइक्लोन वो मिल जाएगा, मिलना चाहिए। अभी कह रहा है नो सच ग्रुप, मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। मैच डॉट स्पैन मैंने किया मैच, ओके तो मुझे टेक्स्ट करना है ना कि मैच, तो मैंने कहा टेक्स्ट में मैच डॉट स्पैन 0 और मैच डॉट स्पैन 1 जो है वो मुझे दे दो, यानी कि टेक्स्ट का 0 7 मुझे दे दो। अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स, अब क्या है कि ये इंटीजर्स नहीं है शायद, तो मैं मैच डॉट स्पैन अगर रन करूँ और इसके बाद इसका 0 करूँ तो ये कह रहा है कि इंटीजर नहीं है। तो लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग, अगर मैं सिर्फ इतना प्रिंट करूं मैच डॉट स्पैन 0 तब क्या मुझे देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। और मैच डॉट्स ओके तो मुझे कॉमा नहीं लगाना यार, मुझे कोलन लगाना है, सॉरी। तो ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी और ये अब चल जाएगा, आप देखना यहाँ पर मुझे साइक्लोन डाइक्लोन मिल जाएगा देखने को। तो इस तरह से आप लोग जो है रेगुलर एक्सप्रेशन की मैचिंग कर सकते हैं। नाउ अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, रेगुलर एक्सप्रेशन सीखने में आपको खुद को बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ है जिससे कि आप लोगों को इसके जो सारे मेटा कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता चले और बहुत सारी चीज़ें इसमें जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ बैक स्लैश की, ये मार्क करता है नेक्स्ट कैरेक्टर एज अ स्पेशल कैरेक्टर और लिटरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन मैचेस दी कैरेक्टर एन वेर इज बैक स्लैश एन मैचेस अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो द सीक्वेंस डबल बैक स्लैश मैचेस बैक स्लैश, यानी कि जो स्पेशलनेस होती है कैरेक्टर की, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की, वो खत्म कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो पैटर्न है उसको देखना है, और अच्छा पैटर्न अगर आप लिखने सीख गए तो आप लोग को टेक्स्ट में से मिल ही जाएगी वो चीज़ जो कि आप चाहते हो, या फिर अगर आप लोग ये चाहते हो कि टेक्स्ट में वो चीज़ मौजूद है कि नहीं ये फाइंड आउट करना, वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप लोगों ने पैटर्न लिखना सीख लिया तो। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है, एक तो पाइथन के डॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये उन लोगों के लिए जो कि बहुत बड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस में। सीरियसली ये पूरी एक किताब के बराबर पड़ेगी आपको, एक छोटी किताब के बराबर अगर आप लोग इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन हाँ यार, एक बार आपने 100 डेज ऑफ कोड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो रेगुलर एक्सप्रेशंस का बादशाह बनने, तो आप लोग यहाँ पर आके बन सकते हो, ठीक है। एक और वेबसाइट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है, मैं यार उसका नाम भूल रहा हूँ बट आई एम श्योर कि ये आ गई, देखो RegXR गूगल पे आएगी, मुझे पता था। अब देखो यहाँ पर A to Z, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट से ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार मुझे चाहिए इनमें से कोई एक, या तो मुझे H चाहिए या फिर मुझे W चाहिए या फिर मुझे R चाहिए, ठीक है। और बैक स्लैश W का क्या मतलब है, आप होवर करोगे तो ये बता रहा है मैचेस एनी वर्ड कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी वर्ड कैरेक्टर और एक से ज़्यादा वर्ड कैरेक्टर।
अब आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर एच डब्ल्यू आर प्लस और बैक स्लैश डब्ल्यू लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एच डब्ल्यू या आर में से कोई एक कैरेक्टर और उसके बाद बैक स्लैश डब्ल्यू और इसके बाद प्लस लिखा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कोई भी एक कैरेक्टर कितनी भी बार ले लेगा, जैसे कि एच डब्ल्यू आर से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसने हैरी मैच कर दिया, रोल मैच कर दिया, रेफरेंस मैच कर दिया। यहाँ पर एक चीट शीट है, अगर यहाँ चीट शीट पर क्लिक करोगे आप लोग तो आप लोग कई चीज़ें सीख सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ, डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। तो अगर मैं यहाँ पर एच डब्ल्यू आर के बाद एक डॉट लगा दूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, दो कैरेक्टर्स को मैच करेगा, एच डब्ल्यू आर में से कोई भी एक और इसके बाद कोई भी एक कैरेक्टर। तो देखो आर ई एच ई आर ई इसने जो है मैच कर दिया। अगर मैं डबल डॉट यहाँ पर लगा दूँ तो तीन कैरेक्टर्स मैच करेगा ये। अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना दूँ कि भाई आर ई मतलब एच डब्ल्यू आर के बाद दो कैरेक्टर्स होंगे और उसके बाद मान लो मैं कहता हूँ ई होगा, तो ये देखो ये मैच कर दिया इसने, आर ई एफ ई है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा एच डब्ल्यू आर में से कोई भी कैरेक्टर हो, फिर इसके बाद यहाँ पर ई हो। अब हो सकता है कि मैं इसको ये चाहूँ कि यार ई भी हो सकता है और ई के साथ साथ आर भी हो सकता है, तो इसने ये भी मैच कर लिया। तो इस तरह से आप लोग जो है पैटर्न्स बना सकते हो और पाइथन के अंदर आप लोग या तो मैच यूज़ कर सकते हो। अभी क्या होता है ना कि अगर आप लोग मैच यूज़ करते हो तो मैच नन रिटर्न करता है अगर मैच फाइंड नहीं हो पाए। तो जैसे मान लो मैंने अगर ये कर दिया यहाँ पर तो ये तो कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि जो मैचेस है वो खाली है, लेकिन अगर मैं ये दिखाऊँ आपको तो ये नन रिटर्न करेगा। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, प्रिंट मैच जो है नन रिटर्न करेगा क्योंकि ये पैटर्न मैच हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है अपनी रेगुलर एक्सप्रेशंस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो। जब मैंने स्टार्ट किया था रेगुलर एक्सप्रेशन सीखना तो मुझे भी लगता था कि यार इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हो तो जावास्क्रिप्ट में भी आएगा, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और ये चीज़ें आसानी बनाएगा, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं बनाएगा। तो इसको सीखें ज़रूर। और ये जो वेबसाइट है regexr.com, लेट मी लिंक दिस हेयर ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है आप सभी लोग ज़रूर विज़िट करें, इसकी चीट शीट देखें और इसमें कई चीज़ें हैं जो कि आप लोग को समझ में आएंगी। और सबसे बढ़िया इस वेबसाइट की बात यह है कि एक्सप्लेन करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को कि कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, कब क्यों ये चीज़ मैच हो रही है और ये चीज़ मैच नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पे क्लिक करके भी लगा सकते हो, इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आया होगा और आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।